Hey guys, welcome to my YouTube channel Logical Thinkers. In this video, I will discuss about hybrid pi model. Hybrid pi model is a circuit model used for analyzing the small signal behavior of bipolar junction and field effect transistor. Hybrid pi model circuit model होता है जिसका use bipolar junction के small signal behavior को analyze करने के लिए use करा जाता है और उसके फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को एनालाइज करने के लिए यूज़ करा जाता है। स्मॉल आई कैपिटल सी बराबर होता है कैपिटल आई सी प्लस स्मॉल आई सी, जिसमें हमारा जो कैपिटल आई सी है वो डीसी बायस करंट होता है और जो स्मॉल आई सी है वो एसी बायस करंट होता है, और जो डीसी बायस करंट और एसी बायस करंट का जो हमारा एडिशन होता है वो हमारा इंस्टेंटेनियस करंट के बराबर होता है। जीएम बराबर होता है हमारा आई सी अपॉन वीबी, जिसमें हमारा जो जीएम होता है वो ट्रांसकंडक्टेंस होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ आप मेरी स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन वाली पहले वीडियो देखें, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो फॉर्मूले मैंने जो यूज़ करें ये कहाँ से आए और ये कैसे, मतलब ये किसी सर्किट से हम कैसे फाइंड करते हैं। मैंने अपनी उस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है, तो प्लीज़ आप मेरी पहले वो वीडियो देखें जिससे आपके इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जो हमारा आई सी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी जी एम इंटू वी बी ई के बराबर। फिर आता है हमारा आर पाई, आर पाई बराबर होता है वी बी अपॉन आई बी, जिसमें हमारा आर पाई होता है वो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस होता है, और एट लास्ट आर पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है बीटा अपॉन जी एम के बराबर होती है। तो इसमें अगर हम आई बी की वैल्यू फाइंड करें तो आई बी बराबर हो जाएगा वी बी अपॉन में आर पाई, और एट द एमीटर नोड जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है आई बराबर आई बी प्लस आई सी, जिसमें हमारा ये बेस करंट है, ये कलेक्टर करंट और ये एमीटर करंट। तो हम जो आई बी और आई सी की जो वैल्यू आई है वो हम इसमें पुट अप कर देंगे, तो आई बी की वैल्यू आई थी वी बी अपॉन में आर पाई और आई सी की जो वैल्यू थी वो थी जी एम इंटू वी बी ई के बराबर। तो इसमें हम वी बी अपॉन में आर पाई कॉमन ले लेंगे, तो आई की वैल्यू वी बी अपॉन आर पाई इंटू वन प्लस जी एम इंटू आर पाई, तो जी एम इंटू आर पाई की जो वैल्यू है वो बीटा के बराबर है। वो देखिए बीटा बराबर हो जाएगा जी एम इंटू आर पाई, तो हमने इसकी यहाँ पर बीटा की वैल्यू हम पुट अप कर दी, तो आई की वैल्यू आ जाएगी वी बी अपॉन में आर पाई, और जो वन प्लस बीटा है वो हमने यहाँ नीचे यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा, तो आ जाएगा आर पाई अपॉन में वन प्लस बीटा। फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन आर पाई एंड आर ई, तो जो आर पाई की जो वैल्यू होती है वो वन प्लस बीटा इंटू आर ई के बराबर होती है, तो इससे जो आर ई की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आर पाई अपॉन में वन प्लस बीटा। तो जो इसकी जो ये जो इक्वेशन आई थी हमारी आर पाई अपॉन में जो वन प्लस बीटा की जो वैल्यू है उसको हम आर ई से रिप्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ देखिए हमने आर ई से रिप्लेस कर दिया, और ये इसका सर्किट डायग्राम है। इसमें हमने एन पी एन ट्रांजिस्टर का यूज़ करा है, जैसे कि स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन में हमने जो डी सी सोर्सेज थे हमने उनको कंसिडर करके चल रहे थे, और जो ए सी जितने भी सोर्सेज थे उनको हमने एलिमिनेट कर दिया था। इस तरह हाइब्रिड पाई मॉडल में हम इसका अपोजिट करेंगे, जो डी सी सोर्सेज थे उनको सबको एलिमिनेट कर देंगे और जो ए सी जो सोर्सेज है उनको कंसिडर करके चलेंगे, तो जिससे हमारा जो वी सी सी था वो शॉर्ट सर्किट में चेंज हो जाएगा, जो वी वी था वो हमारा शॉर्ट सर्किट में चेंज हो जाएगा, और जो करंट सोर्सेज हैं उनको ओपन सर्किट में रिप्लेस कर देंगे हम। फिर आता है हमारा आई सी बराबर जी एम इंटू वी बी, तो जो जी एम इंटू वी बी था तो उसमें हम यहाँ पे वी बी की जो वैल्यू थी वो पुट अप करेंगे, तो हमारी जो देखिए जो वी बी की वैल्यू थी वो थी आर पाई इंटू आर आई बी, तो हमने यहाँ पे आई बी इंटू आर पाई में इसमें रिप्लेस कर दिया, और तो जो हमारी जी एम इंटू आर पाई थी ये देखिए जी एम इंटू आर पाई वो हमारी बीटा के बराबर थी, तो हम वहाँ पर बीटा पुट अप कर देंगे, तो हमने यहाँ पर बीटा पुट अप कर दिया, तो जी एम वी बी की जो वैल्यू है वो हमारी बीटा आई बी के बराबर हो जाएगी। तो जो इसका जो सर्किट डायग्राम है हाइब्रिड पाई मॉडल का, आइए उसको देखते हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम है हाइब्रिड पाई मॉडल का, दीज टू मॉडल्स आर नोन एज हाइब्रिड पाई मॉडल। ये हमारा बेस है, ये एमीटर और ये कलेक्टर है, ये हमारा आर पाई है, रेजिस्टेंस में एडेड है, और ये हमारा करंट सोर्स है। जो हमारा करंट सोर्स आई सी था उसकी वैल्यू थी जी एम वी बी, तो हमने उसको यहाँ पुट अप कर दिया, तो जो हमारा आई सी था वो डायरेक्ट वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, तो एक हिसाब से हमारा जो वोल्टेज उसको कंट्रोल कर रहा है करंट सोर्स को, तो इसलिए इसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। और ये देखिए यहाँ पे ये जो जी एम है वो ट्रांसकंडक्टेंस होता है, इसीलिए इसको ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर बोलते हैं। और इस सर्किट डायग्राम में
ये पूरा का पूरा सर्किट सेम है, बस जो जी एम वी बी की जो वैल्यू फाइंड करी थी वो बीटा आई बी के बराबर आ रही थी। तो देखिए वो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, बीटा आई बी हमने यहाँ पुटअप कर दिया, ठीक है। तो जो आई सी बराबर आ रहा था बीटा आई बी, तो एक हिसाब से यहाँ पे करंट ही करंट को कंट्रोल कर रहा है, करंट सोर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए इसे बोलते हैं करंट कंट्रोल करंट सोर्स, तो इसीलिए इसे करंट एम्पलीफायर बोलते हैं। तो प्लीज़ गाइज, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लीज़ गाइज, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।